हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं जो डीटीएफ का कोई भी दोस्त मुझे, कोई भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर मुझे कोई भी इमेज भेज सकता है, उसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा और वो चीज़ को मैं भेजूंगा भी फिर उनको, ताकि वो सैम्पल टेस्टिंग कर सके कि इनका वॉशिबिलिटी कैसा है डीटीएफ का और उनका प्रोसेस क्या है। तो इसी बीच एक व्यूअर ने मुझे वीडियो को देख के, उसने मुझे मैसेज किया है और उसने मुझे एक चैलेंज दिया है कि इस तरीके का प्रिंटिंग आप करके दिखाइए डीटीएफ में। तो ये मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है या नया चैलेंज है, क्योंकि इस तरीके का प्रिंटिंग मैंने भी कभी नहीं किया। तो मैं आज इस लाइव वीडियो में कुछ सिलेक्टिव जो हमारे व्यूअर्स ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू, उस कुछ सिलेक्टिव डिजाइन को मैं प्रिंट करूंगा। और जो जिस व्यूअर ने मुझे चैलेंज भी किया है कि इस डिजाइन को आप प्रिंट करके दिखाइए डीटीएफ में, तो उसे भी मैं ट्राई करूंगा और उनको उनको भी ये इस वीडियो के थ्रू उनको पता चलेगा कि ये चीज़ होता है कि नहीं, और मुझे भी पता चलेगा कि ये चीज़ होता है कि नहीं। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि डीटीएफ में कौन से प्रिंटिंग नहीं हो सकते और कौन से प्रिंटिंग हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको सीधे कंप्यूटर को लेके चलता हूँ। और आज का जो वीडियो होगा, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि डीटीएफ के फुल प्रोसेस को बताइए कि प्रिंटिंग कैसा होता है, कमांड कैसे दिया जाता है, उसके बाद आप प्रिंटिंग कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है पाउडरिंग का या ये सब का। फिर किसी ने मुझे पूछा था व्हाट्सएप पे कि हमें ब्लैक पाउडर का ज़रूरत क्यों है और चाहिए कि नहीं, कंपल्सरी है कि नहीं। तो जितने लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है या मुझे पूछा है या कमेंट्स में मुझे पूछा है कि इस चीज़ के बारे में आप बताइए, आज पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास हर डिटेल पहुंचे कि डीटीएफ शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसा होता है टी शर्ट में प्रिंटिंग होने के बाद। और इसका वॉशेबिलिटी के लिए मैंने दो क्लाइंट्स को, मैं उनका डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, उनका मैसेज कि उन्होंने मुझे भेजा था और मैं उनको रिटर्न भेज रहा हूँ वॉशेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को मेरे व्यूअर्स ने मुझे भेजा था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसे मैं काट दूँ, और ये जो सिर्फ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये जो जैसा डिज़ाइन दिख रहा है आपको, वो एग्जैक्ट मैं प्रिंट कर सकता हूँ डीटीएफ में या ये हो पॉसिबल है या नहीं डीटीएफ में। तो मैं इस डिज़ाइन को भी प्रिंट करूँगा। इस डिज़ाइन को मैंने काट के, मैंने फोटोशॉप में मैंने इसको पीएनजी बना के रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला इमेज, आप देख सकते हैं इस इमेज को मैंने पीएनजी बना के यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको क्लियरली दिखाई देगा, मैं अगर इसको ब्लैक बैकग्राउंड से अगर ढक दूँ इसको, तो शायद आपको दिखाई दे कि देखिए ये वाला वही इमेज है, इसको मैंने पीएनजी क्रिएट किया हुआ। और एक व्यूअर ने मुझे ये तीन फोटो मुझे मेल किया है कि आप इसको टी शर्ट में प्रिंट करके मुझे भेजिए। और जो चैलेंजिंग पार्ट है, जो चैलेंज किया था मेरे एक व्यूअर ने, वो था ये जो ग्रेडियंट है इसको प्रिंट करके मुझे डीटीएफ में मेरे उस व्यूअर को दिखाना है। तो मैंने उसी टाइप का एक सिमिलर इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है गूगल से, ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं पैचेस सेम है, ये भी ग्रेडियंट ओवरले टाइप है, तो ये भी ग्रेडियंट ओवरले टाइप ही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे भी फोटोशॉप में लेके, मैंने CS3 में लेके मैंने इसे भी निकाल के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वो डिज़ाइन जिसको मैंने फोटोशॉप में PNG इमेज बना के रखा हुआ है। अब हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे वो प्रोसेस देख लेते हैं। ये रहा सॉफ्टवेयर, फिर इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे सब इमेज डाउनलोड होता है, हम सिंपली इसे ड्रैग करेंगे। पहले मैं आपको ये वाला इमेज दिखाऊंगा जो हमारे दोस्त ने हमें भेजा है कि आप इसे भी प्रिंट करके दिखाइए और इसे भी। तो पहले हम इसे ड्रैग करके, सिंपली ड्रैग करेंगे इसे और सॉफ्टवेयर में इसे छोड़ देंगे।
तो हमारा ये पिक्चर आ चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिरर ऑप्शन होता है, ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक होता है, इसको आपको मिरर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इमेज फ्लिप हो रहा है, इसे हम मिरर करेंगे। और यहाँ पे जो गैपिंग होता है ना, ये ऊपर से लेके ये साइड से लेके हम गैपिंग देंगे, तो वो दिया जाता है यहाँ पे एक्स। यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे हम करेंगे 0.3, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और वाई एक्सिस पे करेंगे हम 0.2। ठीक है, और बाकी हमें यहाँ कुछ नहीं करना। उसके बाद हम चले जाएंगे इस व्हाइट वाले पोर्शन पे। यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस व्हाइट पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे होगा जो ग्रेडियंट व्हाइट अंडर एनी कलर पिक्सल, उसको हम करेंगे। आपको सेकंड में ये ऑप्शन मिल जाएगा 100% व्हाइट, इसको हमें क्लिक करना है और एक बार चेक करना है कि ये व्हाइट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए ये व्यू है, यहाँ पे व्यू पे कलर पे क्लिक होता है, आपको व्हाइट क्लिक करके आपको देखना है कि आपका इमेज व्हाइट हुआ कि नहीं। तो ये कलर है, जैसे ही आप इस व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये व्हाइट दिखेगा, दैट मीन्स आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से आप इसको कलर में क्लिक करेंगे और आप इसे फिर लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद आप यहाँ से, यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन होगा, अब आप शायद देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ये, यहाँ पे ये 100% व्हाइट है या नहीं, अगर है तो करेक्ट है। उसके बाद आपको और एक चीज चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रिंट कलर फर्स्ट और कलर प्लस व्हाइट, ये दोनों चेक रहना चाहिए हमेशा। ये अगर चेक नहीं होगा तो आपको व्हाइट कलर प्रिंट नहीं होगा, तो इसको आप चेक करके रखिए। उसके बाद आप प्रिंट को कमांड दीजिए। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने आपने DTF कर रहे होंगे अभी प्रेजेंटली, तो उनको एक चीज दिखा होगा कि हम जब भी डार्क कलर टी शर्ट में प्रिंट करते हैं तब हमें इस डिजाइन पे, जैसे मान के चले ये वाला डिजाइन के जो एज होगा ना, उस पे आपको सफेद 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 एक आउटर बॉर्डर दिखेगा। ये वाला डिजाइन हो गया, या कोई भी आप इमेज ले लेंगे तो उसमें आउटर बॉर्डर आपको दिखेगा। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक पाउडर, ताकि हम डार्क कलर टी शर्ट में वो आउटलाइन ना दिखाई दे। लेकिन हम एक और सॉफ्टवेयर में का एक चीज कर सकते हैं, जिससे वो व्हाइट बॉर्डर एकदम लगभग कम से कम आएगा, तो आपको ब्लैक पाउडर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले व्हाइट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो डिक्रीज 0 to 10 पिक्सल लिखा हुआ है ना, शायद आप देख सकते हैं, इसको आपको यहाँ पे आपको 3 to 5 पिक्सल आप कर सकते हैं, फोर साइड, चारों साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद आप जब कमांड देंगे तब आपको दिखेगा कि आपके प्रिंट के बाहर वो व्हाइट लेयर नहीं आ रहा है, एकदम कम से कम आ रहा है। और अब इस इमेज को हम प्रिंट में देंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है हम इस पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इसे 100% व्हाइट रखना है और ये जो कलर प्रिंट कलर फर्स्ट और कलर प्लस व्हाइट, ये दोनों को चेक रखना है। ये अनचेक रहेगा तो आपका व्हाइट वाला कलर प्रिंट नहीं होगा। तो उसके बाद आप प्रिंट देंगे, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा प्रिंटर। उसके बाद आप पेपर को इस तरह से लोड करेंगे और ये जो पीछे है, पीछे आप इसको सपोर्ट देने के लिए आप मान के चलिए A4 पेपर आप इसमें 10 या वो कुछ ऐड कर सकते हैं, 10 पेपर या 12 पेपर। या तो आप एक काम कीजिएगा, आप लोग ऐसा हल्का, अगर आपके पास बोर्ड या कुछ भी हो तो आप उसे भी इसके सपोर्ट पर रख सकते हैं, क्योंकि ये पैट फिल्म है, प्लास्टिक बहुत थिन होता है, तो इसीलिए इसको पुश करने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए। तो अब देखिए ये प्रिंटर लोड ले रहा है, ये पेपर लोडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये पेपर खींचेगा, अब देखिए ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए कलर को ले रहा है ये प्रिंटर, अब थोड़ी देर में इसके ऊपर में व्हाइट भी ये पेस्ट करते हुए जाएगा। आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं एक व्हाइट आपको दिख रहा होगा,
एक व्हाइट लेयर अब पेस्ट होने लग गया। पहले ये कलर को प्रिंट करेगा, फिर उसके ऊपर ये व्हाइट को प्रिंट करते हुए जाएगा। तो हम इसे होने देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे दोस्त ने जो हमें दो इमेज भेजा था कि टी शर्ट में उनको सैंपल के लिए चाहिए, तो मैं आपको वो प्रिंट आउट हो रहा है, मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। ये है वो इमेज जो उन्होंने हमें भेजा था कि हमें सैंपल के तौर पे ये इमेज दो और एक जो निकल रहा है दोस्त का, हमारे व्यूअर्स का, वो प्रिंट करके आप हमें टी शर्ट भेजिए। हम इसका वॉशेबिलिटी चेक करेंगे, प्लस इसे हम यूज करके देखेंगे तो इसका क्वालिटी कैसा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया आया है, आप देख सकते हैं हर कलर इसमें है, ये मल्टी कलर इमेज है, ठीक है। और इसे हम थोड़ी देर में आपको प्रिंट भी करके दिखाएंगे। अभी के लिए वो हमारा जो PNG इमेज है, ये तो आपका खैर आपका डार्क शीट में निकल जाएगा, आप अगर ऐसा सोचते हैं, लेकिन डार्क शीट में कलर जाता ही जाता है, ठीक है, वो आपका 7-8 वॉश के बाद कलर जाएगा। लेकिन ये DTF इसमें कलर जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और ये हो रहा है हमारे दोस्त का प्रिंट आउट, ये थोड़ा थोड़ा निकल भी गया है ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं ये प्रिंटिंग चालू है। और जैसा कि मुझे मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि आप इस प्रिंटर से हम एक घंटे में कितना शीट निकाल सकते हैं। तो मैं अगर सच बताऊं तो आप एक घंटे में, ये आपका हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है, ये आपको एक घंटे में 10 से 12 शीट निकाल के देता है, उससे ज़्यादा इसका कैपेसिटी है ही नहीं। आप अगर इससे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव जो प्रिंटर्स आते हैं, जो 3 लाख के रेंज में, 4 लाख के रेंज में, 5 लाख के रेंज में या 10 लाख के रेंज में, उस हिसाब से अगर इसे कंपेयर करने जाएंगे तो वो उसके साथ, इस वाले प्रिंटर के साथ वो जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि उसका पैकेज ज़्यादा है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका प्राइसिंग भी हाई है, ठीक है। और इसका प्राइसिंग भी एकदम अपने बजट में बैठता है, और भले ही ये प्रिंटर स्लो है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं, जो आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट चाहिए, वो ये प्रिंटर आपको निकाल के दे सकता है। जो आपको एक्सपेंसिव प्रिंटर भी आपको जैसा निकाल के देता है प्रिंट आउट, ये भी वैसा ही निकाल के देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो थोड़े एक्सपेंसिव प्रिंटर होते हैं और उसमें कोई भी प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें आपको मैनुअली मेहनत करना पड़ेगा। आपको आपका लेबर जो फोर्स होता है, जो मतलब लेबर चार्ज होता है, वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें खर्चा भी कम है, आपका शीट का प्राइसिंग भी बजट में है, इनका प्राइसिंग भी बजट में है, पाउडर का वो भी बजट में है, और ये आपको एक घंटे में 12 से 10 शीट निकाल के दे देगा। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी पूछा था कि ये फुल टैंक, अगर हम इसे फुल टैंक करते हैं तो ये कितना शीट निकाल देता है। तो मुझे अगर पूछेंगे, मैं जैसे मतलब यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये आपका 40 से 45 शीट आपका एक फुल टैंक में निकाल देता है। अगर आपके पास बजट है तो आप हायर प्रिंटर के लिए जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, या मेरा नया बिजनेस है, या मैं सब्लिमेशन इंडस्ट्री में था, पहले विनाइल्स में काम करता था, लेकिन मुझे डार्क कलर टी शर्ट पे प्रिंट करना है, और आपका नया बिजनेस है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट पे जाइए। भले ही ये स्लो है, लेकिन इफेक्टिव है। और अगर आपके पास बजट है, आपके पास आपके पास पैसा है, तो आप हायर प्रिंटर पे जाइए। रिजल्ट सेम होगा, लेकिन वही ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है हायर प्रिंटर्स में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, पीछे में कलर है और ये वाइट आपका प्रिंट हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया ये निकल के आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा ही बचा हुआ है, ये जैसे ही निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं शीट निकल गया है। अब हम इसे पाउडरिंग करेंगे, इसे हीलिंग के लिए ले जाएंगे, ठीक है। तो पाउडर कैसा होता है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पाउडरिंग हो रहा है। पाउडर तो ये वाला पाउडर है 100x200, इसे हम यूज करेंगे ताकि ये जो पाउडर है ये इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा और यही पाउडर आपके टी शर्ट पे प्रिंट होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप पूरा प्रोसेस को, हम ऐसे करके पाउडर को इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसे ऐसे करके शेक करेंगे, आप देखिए। इसे ऐसे करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पूरे प्रिंटिंग एरिया पे इसे पाउडरिंग कर देंगे। पाउडरिंग करने के बाद आप दो तीन बार इसका जो वेस्ट पाउडर है, जो एक्स्ट्रा पाउडर है, उसे निकाल देंगे ऐसे टैप करके। तो आप इस तरफ से अगर देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, और आप घुमा के देखेंगे तो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे हीलिंग के लिए डालेंगे। बहुत सारे लोगों को मतलब कोई बोलता है कि वैक्यूम लेना चाहिए, कोई बोलता है कि आपको वो लेना चाहिए ड्रायर, लेकिन आप नॉर्मल जो आपका पास हीट प्रेस है 16x24 हैवी ड्यूटी वाली, उससे भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको थोड़ा उठा दीजिएगा और आप देखिए इसे हम 200 डिग्री टेम्परेचर और टाइमिंग इसका है 240 इस पे हम करेंगे। देखिए आप इस तरीके से आप गैप रखेंगे मशीन को, आप देख सकते हैं गैपिंग आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा और शीट अंदर पे है। इस तरीके से आप गैपिंग रख के इसे 200x240 सेकंड शुरू हो चुका है हमारा, 200 टेम्परेचर रहेगा और आपका 240 टाइमिंग रहेगा। ये 240 होने के बाद ये बीप करेगा और आपका शीट हील हो जाएगा। तो आपको आपके पास अगर 16x24 का, क्योंकि ये A3 शीट होता है, तो आपको आपके पास अगर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ कुछ जगह में आपको डिफिकल्टी होगा, उसके लिए आपको मैं भी हेल्प करूंगा या आपको अलग भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में आपको खुद से भी आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अब देखिए उसी डिज़ाइन को जो मेरे दोस्त ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स करके चैलेंज दिया था, अब मैं इस इमेज को भी उसी तरीके से प्रिंट करूंगा। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, इस सॉफ्टवेयर पे मैंने ड्रैग कर दिया, आप देख ही सकते हैं सब लाइव हो रहा है, सब आपके सामने हो रहा है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। इसके खामियां भी हम आपको बता रहे हैं और इसकी प्लस पॉइंट, इसका जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छा चीजें है वो भी हम बता रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का डिजाइन चाहते हैं, किस तरीके का प्रिंटिंग करते हैं, आपको लेना है या नहीं लेना है, वो पूरा आप पे निर्भर रहेगा। ऐसा ही करेंगे, एक्स को आपका मिरर इमेज मैंने कर दिया, उसके बाद एक्स को मैंने 3 किया, यहाँ पे 0.2 किया, फिर मैं गया वाइट पे। वाइट पे जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है आपका 100% वाइट, इसको किया, एक बार वाइट करके चेक कर लिया, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको कलर पे कन्वर्ट करके यहाँ पे देखिए मैंने इसको 5 पिक्सल किया हुआ था क्योंकि इमेज बड़ा था, तो मैं इसे फिर से 3 पिक्सल कर दूंगा ताकि आपको ब्लैक, जो ब्लैक आउटलाइन आता है वो कम से कम आए। तो मैंने ये कर दिया। करने के बाद लेआउट में जाके सेम इस वाले ऑप्शन पे मैं जाऊंगा और मैं इस दोनों कलर को चेक करते हुए मैं प्रिंट दे दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हीलिंग हो चुका है, 0 सेकंड हो चुका है, 240 हम इसे उठा देंगे और ये पूरी तरीके से हील हो चुका है। बस अब ये टी शर्ट पे प्रिंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको टी शर्ट में भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये देखिए कलर ऐसा है और इसका बैक, आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जब टी शर्ट पे प्रिंट होगा तब आपको ये कलर विजिबिलिटी, इसका पिक्चर क्वालिटी आपको दिखेगा। तो आइए हम इसे प्रिंट करते हैं टी शर्ट पे। और टी शर्ट पे प्रिंट करने के लिए आप कोई भी मशीन ले सकते हैं, हैवी ड्यूटी होता है तो बहुत बढ़िया है ताकि उसमें हीट प्रॉपर बैठे। इसका टेम्परेचर 160 डिग्री बाय 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड, आपको सिर्फ 15 सेकेंड चाहिए, 160 बाय 15 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ने टी शर्ट प्लेस कर दिया है वहाँ पे मशीन पे, जिसका टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊँ 160 डिग्री है, हैवी ड्यूटी की है ये, सेल्सियस पे।
तो आप देख सकते हैं कि अभी प्रिंट होने के लिए एक बार हमने प्रेस करके इसको जो रिंकल्स होते हैं उसको हम हटा रहे हैं। 2-3 सेकेंड आपको प्रेस करना है ताकि रिंकल्स हट जाए, और फिर देखिए आपके सामने लाइव हम करके दिखाएंगे। इसको टी शर्ट पे रखा हमने, आप देख सकते हैं कि इसे हमें रखा और बंद करने के बाद देखिए 15 सेकेंड चालू हो चुका है। मेरे वीडियो को मैं इतना ही सिंपल रखना चाहता हूं ताकि पूरा ट्रांसपेरेंसी हो जाए सबके साथ। तो ये देखिए ऑलरेडी प्रिंट हो गया है, 15 सेकंड के लिए ये निकल चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, इस इमेज को थोड़ा ठंडा करेंगे, मान के चलिए आपका 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप ही के सामने लाइव वीडियो में मैं इसे पील करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये ठंडा हो रहा है, ठीक है। और ये वाला इमेज मैंने वीडियो में प्रिंट किया है आपके सामने, ये वाला इमेज मुझे कोई भी मुझे जिसको अगर इंटरेस्टेड है ये प्रिंटर लेने में या ये इस प्रोसेस में काम करने में, मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे ये टी शर्ट भेज दूंगा मैं वॉशिबिलिटी चेक करने के लिए। अब देखिए ये पील होगा, आपको धीरे धीरे प्रिंट करना है। आप और ठंडा कीजिएगा, मैं वीडियो में दिखाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी इसको अच्छा से कूल नहीं हुआ, फिर भी ये देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। लेकिन आप इसे मान के चलिए 60 सेकंड्स के लिए या 60 सेकंड, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए आपको इसको ठंडा करना है ताकि आपके आसानी से ये निकल के आ जाए। ये थोड़ा अभी कम ठंडा हुआ है तो मैं आपको वीडियो लंबा नहीं करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं वो नहीं करना चाहता कि आपको दिखाऊँ कुछ और भेजूँ कुछ और बोलूँ कुछ, आपको समझ आए कुछ। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा टी शर्ट्स पे ट्रांसफ़र हो चुका है, देखिए क्या बढ़िया डिज़ाइन आया। ये सब आपको सिर्फ इसी प्रिंटर पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब से फिर से इसे 15 सेकंड के लिए हम हील करेंगे ताकि ये कलर परमानेंट बैठ जाए। और अगर किसी को डाउट है तो आप ये टी शर्ट मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा आपके एड्रेस पे, और आप इसे वॉश करके भी देख सकते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं टी शर्ट में कितना बढ़िया प्रिंट आया है ये, और आप खुद देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि सर ये विनाइल जब हम पहनते हैं तब फील कैसा होता है, ठीक है तो दिक्कत ही नहीं आएगा, एकदम सॉफ्ट फील है ये, वो आपके डार्क शीट जैसा या आपका जब हम पहले जब प्रोसेस करते थे प्रिंटेबल विनाइल था उसमें हम प्रिंट करते तो वो बहुत हार्ड हो जाता था विनाइल और लगता था बदन को, लेकिन ये वाला ये प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको एकदम सॉफ्ट फील आएगा, विनाइल का एकदम सॉफ्ट है। कुछ कुछ खामियां है इस प्रिंटर में, वो दूसरे प्रिंटर पे भी है, ठीक है, और कुछ डिज़ाइन नहीं निकलता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं जो हमारे दोस्त ने हमें चैलेंज किया था, तो शायद उन्होंने सही चैलेंज किया था कि ये नहीं भी हो सकता है। वैसा वाला डिज़ाइन जो ग्रेडियंट टाइप का होता है, जो फॉगी टाइप का होता है, जो फॉगी ग्रेडियंट लाइट डार्क कलर से मिक्स होके जो निकलता है ग्रेडियंट टाइप का, ओवरले टाइप का इमेज, इस तरीके का इमेज आपको शायद नहीं होगा। इस तरीके का इमेज, इस तरीके का डिज़ाइन शायद आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे इस वाले प्रिंटर से या किसी भी प्रिंटर से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लाइट पार्ट होता है जिसमें वाइट गाढ़ा बैठ जाता है, इसलिए ये शेडो नहीं दिखता, वो वाइट दिखता है, ये गाढ़ा पार्ट, ये सब प्रिंट हो जाएगा आपका, ये गाढ़ा पार्ट, ये जो लाइट पार्ट होता है इसको वाइट अपने जैसा कलर बनाने का कोशिश करता है, तो इस पर अपना लेयर बैठा देता है वाइट का, इसलिए ये लाइट कलर्स, ये जो शेडो टाइप कलर्स है ये प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, अब शीट निकल रहा है, पेपर निकल रहा है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं, तो हम इसे भी ट्राई करेंगे और रिजल्ट आपके सामने ही होगा, कुछ छुपाया नहीं होगा, कुछ छुपेगा नहीं, जो है ट्रांसपेरेंसी होगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं इस टाइप का प्रिंटिंग, इस टाइप का बॉर्डरलेस प्रिंटिंग आप देख सकते हैं, इस टाइप का प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। फिर आपको अगर इस टाइप का प्रिंटिंग करना है, देखिए आप इस टाइप का लेटर कटिंग प्रिंटिंग,
आप कर सकते हैं इस DTF से, आप देख सकते हैं लोगो प्रिंटिंग, इस तरीके का प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। मैंने अभी जो आपको रेड टी शर्ट और ब्लैक टी शर्ट में जो डिजाइन मैंने दिखाया वो दिखाना, इस तरीके का प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे चैलेंज किया था, तो आप देख सकते हैं क्लियरली के इस जगह पे आप देख सकते हैं जिस जो जो पार्ट पे लाइट था, ब्लैक तो इसने सही ले लिया, डार्क ब्लू भी इसने सही लिया, लेकिन जिस जिस जगह पे लाइट कलर था उस जगह पे वो कलर नहीं बैठा, व्हाइट बैठ गया। तो दैट मीन्स आपका ये प्रिंटिंग नहीं होगा, वैसा वाला इमेज प्रिंटिंग नहीं होगा। तो फिलहाल हम इसे टी शर्ट पे प्रिंट नहीं करते, क्योंकि ये इस टाइप का प्रिंटिंग जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट ओवरले टाइप का प्रिंटिंग वो नहीं हो सकता इस DTF से, या आपका जो एक्सपेंसिव प्रिंटर आते हैं उससे भी नहीं होगा। तो इसी के साथ होपफुली मैंने आपका सब जवाब दे दिया है। और एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि जब हम प्रिंट करते हैं तब जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट टी शर्ट में पार्ट होता है, वो अच्छी तरह से आ जाता है, लेकिन जब हम ब्लैक को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तब वो लाइट हो जाता है, वो ग्रे टाइप में हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये आप करके देख सकते हैं, या तो आपको व्हाइटिंग में प्रॉब्लम होगा या आप प्रिंटर में ये चीज़ करके देख सकते हैं। जब भी आप अपना ऑफिस पे आए इस वाले टैंकर को आप अच्छी तरह से शेक करें, निकालिए इसे, इसे निकालने के बाद आप इसे शेक करिए, शेक करने के बाद अच्छी तरह से आपको ये डंपर है, आपको यहाँ पे स्क्रू से खोलना है इसको, और आपको ये डंपर निकालना है, छः कलर का डंपर होता है, इसे निकालिए। निकालने के बाद इसे उल्टा कीजिए, उल्टा करने के बाद जो सीरीज होता है ना इंजेक्शन, उसे पुश कीजिए, पुश करके बाहर की तरफ खींचिए, तो आप देखेंगे कि इंक ऑटोमेटिकली उस डंपर पे फिल हो रहा है। वो देख लीजिएगा कि वो ब्लैंक है ना नहीं, अगर वो फिल, वो आप जब खींचेंगे वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है आपके कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे आके सॉफ्टवेयर को यहाँ से डिवाइसेस एंड प्रिंटर से देख सकते हैं, डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे जाना है, आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे जाना है, और यहाँ पे मेंटेनेंस पे जाना है। मेंटेनेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे चौथा नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा पावर इंक फ्लशिंग, इसको करना है। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद आप हेड क्लीनिंग, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, वो हेड क्लीनिंग को कीजिए, उसके बाद आप प्रिंट आउट कीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतने दिनों में जितने मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है या मुझे मैसेज करके भी पूछा है, तो मैंने होपफुली जवाब दे दिया है उनको, सब चीज़ों के बारे में आइडिया मिल गया होगा उनको। और फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कुछ होता है, तो मैं हमेशा आप सबको जवाब देने के लिए रेडी हूँ। मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा मेरा नंबर, आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और अगले वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग लेके हम फिर मिलेंगे। और काइंडली आप अगर मेरे वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं या मैं आपको कुछ भी बता पाया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सब चीज़ों को डिटेल्स में बताता हूँ। और ये जो ग्रेडियंट वाला जो हमने ट्राई किया है आज, वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हम इसे सक्सेस करने के लिए दूसरा कुछ प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे, उसे भी आपको लाइव करके दिखाएंगे। अगर सक्सेस हो गया तो आप भी कुछ सीखेंगे, मैं भी कुछ सीख पाऊँगा, और अगर हम सक्सेस नहीं हो पाए तो दैट मीन्स ये इस तरीके का फीचर से ये पॉसिबल है नहीं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी ग्रेडियंट ओवरले को हम फिर दूसरी तरीके से, दूसरे कॉन्सेप्ट से, इसी प्रिंटर से प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।